तो आज हमारा नूब टू प्रो जर्नी का पहला दिन बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करना घर ऑन रोड है इसलिए शोर शराबा लगा रहता है पूरा दिन। आज मैं तुम्हें गेम की तो कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं दूंगा लेकिन तुम्हारा फोन सही करवाऊंगा जिससे तुम्हारा गेम स्मूथ चलेगा। जितना स्मूथ तुम्हारा गेम चलेगा उतना अच्छा तुम्हारा गेम प्ले होगा। मुझे पता है तुम लोग को लॉन्ग वीडियो देखने पसंद है इसीलिए इसी 60 सेकंड की वीडियो में सब एडजस्ट करना है। इस काम के लिए हमें दो ऐप्स की जरूरत पड़ेगी। पहले का नाम है बैकग्राउंड क्लियर और दूसरे का नाम है ऐप फ्रीजर। बैकग्राउंड क्लियर से क्या होगा, तुम्हारे बैकग्राउंड जितने भी ऐप्स चल रहे होंगे ये उसे बंद कर देगा और ऐप फ्रीजर उन्हें शुरू करने से रोकेगा। मतलब जो तुमने बैकग्राउंड में ऐप जो बंद किए हैं वो कभी कभी अपने आप ही शुरू हो जाते हैं, मगर जब तुम उसे ऐप फ्रीजर में डाल दोगे तो वो तुम्हारी रैम नहीं खा पाएंगे। जितनी तुम्हारी रैम फ्री होगी उतना अच्छा तुम्हारा गेम होगा। इन दोनों ऐप्स को डाउनलोड कर लेना और बाकी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना। इसके बाद अगर तुम्हारी डिस्प्ले में रिफ्रेश रेट चेंज होता है, अगर सपोर्ट करती है, अगर तुम्हारी डिस्प्ले 90/20 हर्ट्ज की है तो उसमें चेंज होता होगा। डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट को हाई पे रखना अपने। इसके बाद तुमको तुम्हारे फोन के डेवलपर ऑप्शन में आना है। डरो मत, ये कोई वो पुरानी यूट्यूबर वाली ट्रिक नहीं है। तुम्हें जाना है रनिंग सर्विसेज में। रनिंग सर्विसेज में जाकर तुमको पता चल जाएगा तुम्हारे बैकग्राउंड में कौन कौन से ऐप चल रहे हैं। हाँ, मैंने उसके लिए एक ऐप इंस्टॉल करी थी मगर फिर भी कुछ सिस्टम के ऐप्स होते हैं जिसको वो क्लियर नहीं कर पाता, तो यहाँ से तुम उसको क्लियर कर सकते हो। तुम जैसे रनिंग सर्विसेज खोलोगे तुम्हें दिखा देगा कौन सा ऐप है वो कितनी रैम यूज़ कर रहा है, तुम उसको वहाँ से स्टॉप कर सकते हो। बस सारे ऐप्स तुम स्टॉप मत करना, कुछ ही वो करना क्योंकि कुछ कवर करना तुम्हारे डिवाइस के लिए सही होता है। इसके बाद ग्राफिक प्रेफरेंस ड्राइव करके एक ऑप्शन होता है, उसमें जाके तुम्हें फ्री फायर को सिस्टम ग्राफिक्स ड्राइव पर सेट कर देना है और उसके बाद तुम्हें डेवलपर ऑप्शन में देखना है सेटिंग हार्डवेयर एक्सेलरेशन और इसको ऑन कर देना है। बाकी जो यूट्यूबर्स वगैरह सेटिंग्स बताया करते तुम चाहो तो कर सकते हो, वरना कोई बात नहीं। इसके बाद तुम्हें अपनी सेटिंग्स में बैटरी वाले ऑप्शन में जाना है और बैटरी में या तो तुम सर्च ऑप्शन में जाकर सेटिंग्स में सर्च कर सकते हो हाई परफॉर्मेंस, वरना बैटरी में जाकर थोड़ा बहुत दोनों के पौधा सर्च में नहीं आता है, मगर बैटरी में जाकर तुम थोड़ा बहुत इधर उधर दोनों के तो मिल जाता है हाई परफॉर्मेंस मोड। अगर तुमको ये चीज़ मिल रही है तुम्हारे फोन में अवेलेबल है तो उसको यूज़ करो। या तो बहुत से लोगों में नोटिफिकेशन बाहर से भी आ जाता है तो देख लेना अपने फोन के हिसाब से, क्योंकि इससे क्या होगा तुम्हारा फोन अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस में निकाल के देगा जो कि काफ़ी ज़्यादा सही होगा तुम्हारे गेम प्ले के। इसके बाद तुम्हें जाना है गेम में। गेम में देखो बहुत से लोग होते हैं जो स्टैंडर्ड ग्राफिक्स पर खेलते हैं, तुम्हें स्टैंडर्ड ग्राफिक्स में नहीं खेलना है, तुम्हें स्मूथ में खेलना है, ग्राफिक्स में स्मूथ रखना है और FPS हाई रखना है जिससे तुम्हारा गेम मक्खन जैसा चलेगा। अब ट्राई करो कि कलेक्शन पैक गेम का मत ही डाउनलोड करो, बस अपने जो कपड़े और इमोट्स हैं उसको डाउनलोड कर लो बस पढ़ा दो। बाकी अभी मुझे बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स बता जो तुम्हें नहीं पता होगी, मैं चाहूँ तो नहीं बता सकता हूँ लेकिन मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता। तो इस वीडियो को इतना ही, इतनी सारी चीज़ें करो, बाकी कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में जिंदाबाद, और हाँ सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ एक और चीज़, सबसे मेन चीज़ जो थी, तुम्हें एक नया टेम्पर डलवाना है और नया फिंगर स्लिप लेके आना है, और टेम्पर डलवाने से पहले उस मतलब अपने फिंगर स्लिप अंगूठे में पहनना और देखना उस टेम्पर मतलब तुम्हारे फिंगर स्लिप कैसे फिसल रहा है, अगर तुम्हारे टेम्पर का फिंगर स्लिप अच्छे से फिसल रहा है तभी उसको चढ़वाना वरना मत चढ़वाना। एक ऐसा टेम्पर चढ़वाओ जिस पर तुम्हारे फिंगर स्लिप अच्छे से फिसलें, ट्राई करके देखना, इसका मतलब जब तुम प्रैक्टिकल करोगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो फिर एक ऐसा टेम्पर डलवाना जिसमें तुम्हारे फिंगर स्लिप अच्छे से फिसलें, जो फोन में तुम्हारे चिपकने की प्रॉब्लम होती है, तुम लोग बोलते हो फोन चिपकता है ड्राइव नहीं होता, तो इसके लिए तुम टेम्पर और उसका यूज़ करो।